दोस्तों यह K9 थंडर जिसको कि भारतीय भाषा में K9 वज्र के नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों यह दुनिया का सबसे ताकतवर होविटर के नामों में इसका नाम शामिल है। भारत और चीन के तनाव के बीच में भारत ने आज ही के दिन इसको चीन से लगती हुई सीमा के पास तैनात कर दिया है, जिसके बाद इसकी ताकत का पूरी दुनिया में चर्चा होना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग इसी होविटर के बारे में डिटेल में समझते हैं और इसकी क्या खासियत है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं K9 थंडर के बारे में। दोस्तों यह एक कोरिया द्वारा बनाया गया सेल्फ प्रोपेल 155 mm का होविटजर तोप है, जिसका डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया गया, जो कि सैमसंग एरोस्पेस इंडस्ट्री है और दक्षिण कोरिया में यह कंपनी स्थित है। अब बात करते हैं इसके वेरियंट की, तो इसके कई सारे वेरियंट बनाए गए हैं इसके रेंज के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन की, तो साउथ कोरिया में बनाया गया था और यह सर्विस में 1999 से अभी तक इसका इस्तेमाल विभिन्न देशों की सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग इसके भारत में, तो दोस्तों बता दें कि भारत ने 2018 में इसका सौदा किया था दक्षिण कोरिया के साथ, भारत में ही लगभग 100 इस तरीके की होविटजर का बनाने का। तो इसका बात करते हैं, भारत को इसी साल यानी कि 2021 में ही फरवरी में ही 100 जो होविटजर बनाना था वो बंद करके सेनाओं को दे दिया गया है। और अभी पिछले दिनों खबर निकल कर सामने आई है कि भारत ने इन सभी होविटजर को एक तरीके से चीन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है, और ट्विटर पर भी ANI ने एक वीडियो जारी किया था, जिसके बाद ये पुख्ता हो गया कि भारत ने इन हथियारों को अब फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया है। तो अब बात करते हैं इस होविटजर के हम लोग स्पेसिफिकेशन की, तो बता दें कि ये जो होविटजर यह लगभग 45 टन वजनी है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 12 मीटर है और चौड़ाई है 3.4 मीटर, जबकि हाइट है इसकी 2.73 मीटर। अब इसको 5 क्रू मेंबर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें एक कमांडर होता है, ड्राइवर, गनर और 2 लोडर होते हैं। अब बात करते हैं इसके हम लोग मेन आर्मामेंट की, तो दोस्तों इसमें 155 mm का ही एक मेन गन लगा होता है, बाकी 48 राउंड वाला 52 कैलिबर का भी एक सेकेंडरी गन लगा होता है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग इसके इंजन की, तो इसमें 8 सिलेंडर वाला वाटर कूल डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि 1000 हॉर्स पावर का इसको ताकत प्रदान करता है। अब दोस्तों यदि हम लोग इस K9 वज्र की जो रेंज की बात करें तो लगभग 360 किलोमीटर है, यानी कि एक बार इसका फ्यूल है वो फुल्ली लोडेड होने के बाद 360 किलोमीटर तक जा सकता है। अब दोस्तों खास बात इसकी जो मैक्सिमम स्पीड वो काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों भारी भरकम सेल्फ प्रोपेल्ड होविटजर का लगभग इतना ज़्यादा स्पीड होना ये काफ़ी मायने रखता है, जो कि इसकी स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। तो दोस्तों इसीलिए भारत को इस तरीके की टैंकों की ज़रूरत थी, क्योंकि भारत जो चीन के साथ इस पर विवाद बना हुआ है, भारत को इस वक्त एक हल्के होविटजर की ज़रूरत थी और इसमें जो K9 थंडर है ये काफ़ी फिट बैठ रहा था, इसीलिए भारत ने इन होविटजर का सबसे पहले नाम किया और इसी को ही खरीद लिया और बाकी का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। दोस्तों इस होविटजर के आने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई, जिसके बाद चीन भी अब घबरा रहा है एक तरीके से। दोस्तों आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइए।